Good morning students. In this video we are going to solve the next question of exercise 12.1, that is question number 2. Again the same you have done question number 1. In the previous question it has given that to find the radius of the circle having circumference equal to the sum of these two circumferences. ये पिछला question 1 था first. But इस question में क्या है कि जो दो सर्कल्स का रेडियस गिवन है, एक का 8 सेंटीमीटर दूसरे का 6, तो आपने एक और सर्कल जिसका रेडियस हमें फाइंड करना है वो उस इस सर्कल का जो एरिया है वो इन दो सर्कल के सम के एरियाज के बराबर है, मतलब जो इन दोनों का एरियाज का सम होगा दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रिक्वायर्ड सर्कल. सो हमने R1 8 सेंटीमीटर माना, इसका R2 रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हमें फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. लेट आर, ये आर जो है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स. So, R1 कितना हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, R2 हमने 6 सेंटीमीटर और R हमने फाइंड करना है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इन दोनों का एरिया का सम इसके एरिया के बराबर है, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. सो पाई हम यहां से कॉमन लेंगे इन दोनों में से, inside R1 square plus R2 square, pi pi cancel. Now R square, R1 means 8 ka square, R2 means 6 ka square, so that R square 64 plus 36 100. What is R? R is 10 centimeter. So therefore radius of this required circle जिसका एरिया बराबर है सम ऑफ दीज टू सर्कल्स एरियाज के बराबर, सो उसका रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया.